बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया है, जहां प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को अस्पताल स्टाफ ने बिना जांच पड़ताल के ही बाहर निकाल दिया, जिससे अस्पताल के गेट पर ही महिला का प्रसव हुआ। पूरी घटना मोकमपुरा की आदर्श पीएचसी की बताई जा रही है। करण घाटी निवासी मान सिंह ने बताया कि अस्पताल के अंदर जाते ही स्टाफ ने उन्हें कुशलगढ़ ले जाने को कह दिया, लेकिन दर्द ज्यादा होने के चलते आसपास के लोगों ने अस्पताल के गेट पर ही प्रसव करवाया। वहीं मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर हीरालाल ताबियार ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल जांच का जिम्मा बीसीएमओ को सौंप दिया गया है। और बांसवाड़ा से संवाददाता अनुपम दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, कहीं पे भी संवेदनशीलता नजर नहीं आई स्टाफ को लेकर, जब इतना ज्यादा दर्द था इसके बावजूद भी उसे बाहर रेफर कर दिया गया, किसकी लापरवाही? जी श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रीति, वह बहुत ही लापरवाह हैं। पहले भी जब अधिकारियों ने वहां पर जांच पड़ताल की है तो कई बार वे अपने अस्पताल में मिलती ही नहीं है, जबकि अस्पताल में डॉक्टर के रहने के क्वार्टर हैं, यानी कि उनके घर के भी सुविधा उसी अस्पताल परिसर में है, बावजूद इस तरह बार बार लापरवाही नजर आती है। और कल भी वे स्वयं मौजूद ही नहीं थी, अगर वह मौजूद होती तो निश्चित रूप से प्रसूता को भर्ती किया जाता और कुछ न कुछ उसका उपचार। अनुपम, यानी इसे इन्हें रेफर इसलिए किया गया क्योंकि डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थी? जी, अक्सर डॉक्टर वहां से नदारद हो जाती हैं और जो जिम्मेदार या जो वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी होते हैं वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे, हमें जो सूचना। चलिए अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीसीएमएचओ कुशलगढ़ डॉक्टर राजेंद्र उच्चैनिया जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, क्या अहम बात, अहम लापरवाही किसकी आप मानते हैं? क्या जांच इस मामले को लेकर की जाएगी? बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसा हुआ मैडम, ये जो प्रसूता जो मोकमपुरा पीएचसी पर आई थी तो वहाँ जो भी नर्सिंग स्टाफ था उन्होंने इसको जांच की और जांच करने के बाद इसको रेफर के लिए बोला था, लेकिन लापरवाही ये रही है कि उनको हॉस्पिटल के अंदर ही रखना था जब तक गाड़ी 108-104 नहीं आ जाती है, और इसको बाहर निकाल दिया गया था, तो ये स्टाफ की लापरवाही तो रही है। लेकिन उज्जैनिया जी, डॉक्टर वहाँ पर नदारद थी, डॉक्टर होती तो शायद ये सब कुछ ना होता। जी बिल्कुल सही है, डॉक्टर को अगर वहाँ हेडक्वार्टर पर रहती उसके पहले भी डॉक्टर को नोटिस दे चुका और पावन कर दिया था कि आप हेडक्वार्टर पर रहे, के बावजूद भी वो वहाँ हेडक्वार्टर पर नहीं। डॉक्टर राजेंद्र, अब कार्रवाई क्या डॉक्टर के खिलाफ की जाएगी? आपने कहा पहले भी नोटिस दिया जा चुका, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये यहाँ पे रहती ही नहीं है, डॉक्टर हमेशा नदारद रहती है। क्या एक्शन आप लोगों की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में इस तरह का किसी और के साथ ना हो, जान पर भारी पड़ सकती है ये लापरवाही। जी बिल्कुल सही है कि इसका जो स्पष्टीकरण लेके और सीएमएस साहब को इस बारे में अवगत करवा दिया गया है, और ये जो भी कार्रवाई होगी सीएमएस साहब करेंगे, मैं इनको इन्फॉर्मेशन जो भी इनकी कमियां हैं वो मैं बता चुका। ठीक है, और अभी क्या हालत है प्रसूता की, इसे लेकर आपको जानकारी? मेरी जानकारी में आया था तो फिर मैंने उनको घर से 108 एम्बुलेंस में कल यहाँ बुलवा लिया था सीएससी कुशलगढ़ में, और उसकी जाँच की गयी डॉक्टर अनिल जैन द्वारा, और जच्चा और बच्चा दोनों उस समय स्वस्थ थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रसूता के परिजन उसको यहाँ रखना नहीं चाह रहे थे और उसको बाद बिना बताए यहाँ से घर चले गए। डॉक्टर राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पीड़ित के पिता मान सिंह जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। मान सिंह जी, आप लोग वहाँ पहुंचे थे, किसकी लापरवाही थी, क्या जवाब आपको मिला वहाँ अस्पताल से? मान सिंह जी, आप सुन रहे हैं, क्या आपको जवाब मिला जब आप वहां पहुंचे स्वास्थ्य केंद्र? बिल्कुल मैडम, वहां गए थे, डॉक्टर साहब सामने खड़े थे, डॉक्टर साहब ने अंदर जाने से मना कर दिया और जब बाहर निकलने की कोशिश की मैडम। मान सिंह जी, लेकिन डॉक्टर तो कह रहे कि डॉक्टर वहां थे नहीं, इसलिए आप लोगों को बोला दूसरे अस्पताल जाने के लिए? मैडम, डॉक्टर मौजूद थे, वहां सामने खड़े थे और पीड़ा हुई, पूरे गाँव इकट्ठा हुए थे, सरपंच साहब भी आए, बोले उनको निकाल व्यवस्था करो, व्यवस्था करनी है, कहीं पैसा नहीं, व्यवस्था करो, हमारे पास तकलीफ और आदमी गरीब है, गरीब भी थे। मानसिक जी, फिर जब आपने कहा डॉक्टर वहाँ थे, आप लोग ने अपनी समस्या बताई, तो उन लोगों ने कहा क्या, क्यों नहीं वहाँ पर भर्ती किया गया? सर, मैडम अंदर ही नहीं जाने दिया हमारे को, अंदर ही बाहर ही निकाल दिया, अंदर ही कर दिया। अब लेकिन मान सिंह जी, हमारी डॉक्टर से भी बात हो रही थी, उनका कहना है कि अंदर लेके गए, जांच की गई और इसके बाद उनको रेफर किया गया था, तो क्या जांच हुई थी अंदर? नहीं,
रेफर किया गया था मैडम, तो रेफर करने के बाद आधे घंटे में पीड़ा कितने साल हो गई, कैसे हो गया इनको पता, जांच से की नहीं, इनको कैसे पता चला? फिर आप लोग कैसे लेके, क्या कोई एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया था जब आप लोग को बोला गया दूसरी जगह जाने के लिए? तो एम्बुलेंस नहीं थी मैडम, दूसरी गाड़ी तत्काल करनी पड़ी, तो तत्काल हमें की नहीं, फिर वही हो गई पीड़ा घर, अब अस्पताल मदद कर या जो भी हो, हम घर लेके चले आए मैडम, हमको जानकारी है, गरीब लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे मैडम। मान सिंह जी, लेकिन अभी दोनों कैसे हैं, जच्चा बच्चा ठीक है, स्वस्थ है क्या? ठीक है मैडम, स्वस्थ है मैडम। तो अभी अभी क्या अस्पताल में भर्ती किया गया फिर उन्हें? भर्ती नहीं किया गया मैडम, अभी भी नहीं किया गया, अभी नहीं किया, वो तो देखेगा, हमको बता दिया हमको जाना ही नहीं अस्पताल में, जाना है ऐसे डॉक्टर को हमें कार्रवाई करवानी है बस। चलिए मानसिंह जी, अब बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त सीएमएचओ डॉक्टर हीरालाल ताबियार जी जुड़ चुके हैं। हीरालाल जी, आपने भी सुना कि कितनी बड़ी लापरवाही है, अंदर अस्पताल के जाने ही नहीं दिया गया, कोई जांच नहीं की गई और गेट पर डिलीवरी हो जाती है। नहीं, इसके इसके बारे में मैं अभी अभी मौके पे तो नहीं गया हूँ, वहाँ पे खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा था और उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार ये छोटी सरवा जो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं और वहाँ से इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने वहाँ पे जो सीएससी कुशलगढ़ में भेजे थे, लेकिन उनको रास्ते में दर्द हुआ, जो जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ मैं, दर्द हुआ तो बीच में ये पीएससी आती है और वहाँ पे ये लोग गए थे सुबह और वहाँ पे मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि उस आधार पे, हालांकि पहले भी वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे फीमेल है पीएससी मोहकमपुरा के अंदर, उसको मैंने पहले भी वहाँ पे हेडक्वार्टर पे रहने हेतु उन लोगों को पाबंद किया था, लेकिन वो हेडक्वार्टर पे नहीं थी आज भी और वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल था और इन लोगों को वहाँ पे मुझे जो जानकारी दी वो ये है कि वहाँ पे एक नर्सिंग कर्मी था और इनको वहाँ से कुशलगढ़ जाने हेतु बोला, लेकिन इनके द्वारा काफी लापरवाही हुई है डेफिनेटली और इनके विरुद्ध मैं भी कार्रवाई प्रस्तावित कर दी है मैंने, अभी नोटिस वगैरह इश्यू हो गए हैं और आज ही मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से एक बार उनसे मिलूंगा और इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करूंगा। बिल्कुल हीरालाल जी, लेकिन लेकिन एक और अहम बात है, देखिए आपसे भी बात हुई, इससे बीसीएमएचओ से भी बात, उनका कहना है कि पहले भी शिकायतें आ चुकी हैं, अब देखिए जब पहले शिकायत आ चुकी है और अभी तो ये बड़ी लापरवाही है, जान पर बन सकती थी दोनों माँ बच्चे की, लेकिन गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई, अभी वो सुरक्षित है, लेकिन ऐसे मामले दोबारा ना हो, क्योंकि इनकी तो आदत में शुमार है, जो भी डॉक्टर वहां पर है पहले भी निर्धारित रहती है, वहां मौजूद ही नहीं रहती है, पेशेंट्स कहां जाए, अब ऐसे में क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी ये बताइए, सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, क्योंकि अक्सर होता है कागजी कार्रवाई की जाती है, खाना पूर्ति हो जाती है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल उस चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध डेफिनेटली कार्रवाई होगी, क्योंकि उसकी उसकी बार बार जो लापरवाही है तो इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और मैं विभाग के उच्च अधिकारियों से भी राय लूंगा और हमारी कैपेसिटी में जो भी है वो हम लोग भी यहाँ से ठीक है। हीरालाल जी, लेकिन आपको पूरी जानकारी वहां से दी गई कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन अभी हमारे पीड़ित के परिजनों से बात हो रही थी, उनका कहना है कि हमें गेट के अंदर तक जाने नहीं दिया गया, चेकअप करने की तो बात ही दूर, और ऐसे में ना कोई एम्बुलेंस ना कोई गाड़ी और सड़क पर ही प्रसव हुआ। इसकी मैं पूरी किसी ऑफिसर को, अच्छे जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को भेज करके जांच भी करवा रहा हूँ। चलिए हीरालाल, जब उम्मीद करते हैं, आपने जांच का आश्वासन दिया है, जांच हो, सख्त कार्रवाई हो, ताकि हम दोबारा आपसे अपडेट भी लेंगे, आपसे बात करेंगे कि इस मामले में एक्शन क्या लिया गया। फिलहाल के लिए शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अलग अलग बातें यहां पर कही जा रही, लेकिन एक बात है जो जरूर कॉमन है, चाहे वो बीसीएमएचओ ने कही हो, चाहे सीएमएचओ ने कही हो, कहना यही कि ये जो डॉक्टर यहां पर पदस्थ हैं वो लापरवाह हैं, वो मौजूद यहां पर नहीं रहती हैं, यहां पर ही उन्हें क्वार्टर दिया गया रहने को, लेकिन वो यहां रुकना तो दूर, अस्पताल में भी इनकी मौजूदगी नहीं रहती, और ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की लापरवाही देखने को मिली हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, नोटिस दे दिया जाता है, वापस वो काम पर आती है, वापस वो अपनी आदत में जिस तरह से शुमार है यहां मौजूद ना रहना, और इससे भुगतना आम जन को पड़ता है। और ये मामला देखिए, जब गर्भवती महिला यहां पहुंचती है, उसे गेट के अंदर तक जाने नहीं दिया जाता है, मजबूरी में कोई करे तो क्या करे, एम्बुलेंस यहां पर थी नहीं और सड़क पर ही प्रसव हो जाता है। ये बयां कर रहा है कि भले ही स्वास्थ्य महकमा कितनी भी बातें करता हो, भले ही सरकार कितनी भी कोशिश कर ले यहां पर
लोगों की मदद के लिए, फिर जननी सुरक्षा योजना हो या फिर दूसरी योजनाएं हो, लेकिन अभी भी ऐसे मामले सामने आते हैं, अभी भी लोग इस तरह की चीजों को लेकर परेशान हैं, और वो सिर्फ इस वजह से कि जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं, और ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं।